और मेरे लेंस क्यों गिर गए, उठा जल्दी, अगर लेंस टूटा ना मत दिखाओ सच्चा दोस्त भाई का। हेलो जी, वेलकम बैक, और बहुत टाइम बाद एक ब्लॉग बन रहा है तो इसके लिए हम मदद ख्वाह हैं आपसे, लेकिन अभी हमें जाना है एक दोस्त के पास, उसको पिक करना है और फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाना है इंडिया मुंबई। तो मिलते हैं आपको मुंबई में, और माइक थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी सी कम होगी। और ये भाई की शर्ट चेक करो, सब छोड़ो, मेरा वोट मेरी मर्जी, वाह सही बात है। और मुक्के का मतलब मुँह वाला नहीं है, नॉर्मल मुक्का। भाई सीन ये है, हम जिसको पिक करने आए थे वो रहा, वो ये रहा, मेरे लिए मीठा मीठा पानी लेकर आए, लेकिन पीछे का माहौल ये देखो। अरे ओ उस्ताद, ये जब भी इतना शोर हो रहा है यहाँ पे। भाई ये रहा आपका चाइना पोर्ट, ये रहा सी व्यू, चुप हो जाओ अभी, और ये रहा गटर का पानी, आई मीन पोर्ट का पानी जो भी है, और ये रहा मुंबई। सीन ये है कि चाइना जो पोर्ट, किसी गरीब ने, किसी पागल ने एक पिक्चर अपलोड कर कर दी, पूरे लोग पागल हो गए। अब पूरा कराची पहुंचा भाई, देखो पीछे रख देखो, और एक तरफ सी व्यू का पानी, और ये रहा दूसरी तरफ हमारा कांगिया, तुम हटो गटर का पानी जो भी पानी है, और आगे इतना रश है कि आपकी सोच है। अभी देखो फ्रेयर हॉल के बाद जो कराची के सेकंड जगह है, यहाँ लड़के DSLR लेके आएंगे और शुरू हो जाएंगे। ये देखो पीछे इतने लड़के पिक्चर DSLR लेके पिक्चर हो जाएंगे, क्योंकि पोर्ट तो बहुत आगे है। ये जो चाइना का मुंबई हमें कराची में उन्होंने दे दिया है ना, लोगों को खुश कर दिया भाई, और बाकी में जगह अच्छी है। और यहाँ एक टावर है, लोग वहाँ पर ऐसे चढ़ लें जैसे उनके क्या बोलूँ, ये देखो कराची के बंदों को बस चढ़ने का बोलो, कहीं भी चढ़ जाएंगे। ये देखो ये देखो ये चढ़ लो, ये चढ़ना कहाँ रहे हैं वो देखो, हद हो गए भाई। पूरा पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ ये पूरा, इतने लोग फ्री में ना मेरे दोस्त, फ्री में तो कुछ भी दे दो। भाई कसम खुदा की इंडियाना जॉन्स, टॉम राइडर और रजनीकांत को यहाँ ले आओ ना, अगर और बोलो ये सब पत्थर चढ़ के आगे आना है, ये देख रहे हो जितने भी पत्थर देख रहे हो ये सब चढ़ना है, यहाँ पे गैप ऐसा है कि गिरे तो हड्डी भी टूटनी है आपकी, हड्डी भी टूटनी है आपकी। और देखो अभी भी पीछे देखो मेरे, वो देखो जो लोग चढ़ चढ़ के आ रही है, देखो किस तरह चढ़ रहे हैं, और कूदना पड़ रहा है बहुत खतरनाक है भाई। मेरे दोस्त को जोश आ गया है, ये जा रहा है, ये कह रहे हैं अब जाना है तो पूरे एंड तक जाना है और पूरी वीडियो बना के लेके आओ, आ रहा हूँ तो वहाँ निकलते हैं। दुआ करना गिर जाऊँ, अगर बच गया तो ये वीडियो व्लॉग आप देख लोगे, वरना नमाज हो जाएगी भाई की। कहाँ से आऊँ बेटा, उसको जेब में रख के आ जाना। भाई चाइना पोर्ट आके एक बात मेरी लिख के ले लो, जिसकी टांगे कमजोर हैं वो यहाँ नहीं आना, क्योंकि मैंने यहाँ आके एक अहद कर लिया है कि मैं तो अब नहीं कर रहा कुछ, मतलब झूठ भी बोलूँगा, लेकिन यार जिसकी टांगों में जान है सिर्फ वही है बस।
और जज्बात में हम इतना आगे आ गए, इतना आगे आ गए और हम भूल गए कि हमें इतना ही अब वापस भी जाना है। तो मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो शुरू शुरू में बैठ जाना, ज़्यादा आगे आने की जज्बात में जरूरत नहीं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? मेरा सही बोल रहा हूँ, दोस्त भी रह गए मेरे साथ। मेरे बाल देख के, शक्ल देख के बिल्कुल भी जज मत करना कि मैं बहुत ख़राब हुए में आया था। अगर आप भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आओगे, मतलब चाइना पोर्ट पे, तो आपका भी यही हाल होना, क्योंकि यहाँ इतना रश, इतना ख़तरनाक पत्थर। आप जैसे ये देखो मेरे पीछे लोग देख रहे हो, वो सारे लोग जो हैं वो चाइना पोर्ट ही जा रहे हैं। तो उसके साइड में एक सीजू का समंदर भी है, तो हमने सोचा अगर समंदर के पास आए और पाँव गीले नहीं करे तो फिर क्या किया? जमीन दब रही है। ये रहा चाइना पोर्ट के लेफ्ट साइड पे ये माहौल है, समंदर पूरा साफ सुथरा सी व्यू, और पीछे आपके ये है सारा चाइना पोर्ट के लोग जा रहे हैं। वहाँ जहाँ तक आपकी लेकर जा रही है वो चाइना पोर्ट है। तो इससे ज़्यादा हिम्मत भी नहीं है और ब्लॉग भी एंड करना है, तो उम्मीद है कि आपने ज़मीन दबकी हुई है ना, तो उम्मीद है कि आपने चाइना पोर्ट को थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा वो आ जाओ, लेकिन भाई संडे को मत आना, संडे को बहुत रश होता है। और अल्लाह हाफिज़।